हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दूरदर्शन के 80 के सुनहरे दौर में एक बेमिसाल अभिनेता टीवी पर आया करता था। नाम तो उस दौर के बच्चे नहीं जानते, बस मिस्टर योगी आ गया चिल्लाते हुए देखने बैठ जाया करते। छोटी सी टीवी के जरिए इस अदाकार ने हर घर पर अपना कब्जा कर लिया था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर एक से बढ़कर एक सीरियल। मगर दोस्तों, मिस्टर योगी की जिंदगी के बस 45 साल में अंत की कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए इनके अभिनय की दुनिया में आने से लेकर छोटी उम्र में मौत का पूरा सच बताते हैं। 80 का दौर दूरदर्शन का हुआ करता। वजह थी केबल टीवी की जगह दूरदर्शन के एंटीना का हर घर पर राज होना। इसी टीवी के जरिए अभिनेता मोहन गोखले भी उस दौर के लोगों के दिलों पर राज किया करते थे। आपको भी ये चेहरा थोड़ा बहुत तो याद ही होगा। मोहन पूना में 1954 को पैदा हुए थे। पिता उस दौर के बड़े पत्रकार हुआ करते, मगर मोहन का मन तो बस अदाकारी में लगा रहता। छोटेपन से ही मराठी थिएटर में दाखिला ले लिया, अभिनय करना शुरू कर दिया। एक्टिंग में ऐसे पारंगत होने लगे कि कॉलेज के दिनों से ही बड़े बड़े पुरस्कार घर आने लग गए। मोहन गोखले की अदाकारी की खुशबू फैलने लगी और जल्द ही पहला शो भी मिल गया, श्वेतांबर। धीरे धीरे मराठी अभिनय की दुनिया में मोहन का नाम हो गया। उन्होंने फिर निर्देशन भी शुरू कर दिया। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का करियर बनाने वाले मोहन गोखले ही थे। जी हाँ, नाना पाटेकर जिस मराठी नाटक भाऊ मुरारो से पहली बार मशहूर हुए थे, उस नाटक के डायरेक्टर मोहन गोखले ही थे। मराठी की दुनिया में छाने के बाद दूरदर्शन वालों ने भी इनके हुनर को पहचान लिया। इनको एक से बढ़कर एक सीरियल मिलने लगे, जैसे यात्रा, लेखू, आहट, भारत एक खोज। मुकेश खन्ना के प्रसिद्ध शक्तिमान शो में भी इन्होंने खूब काम किया था। मगर दूरदर्शन के जिस टीवी सीरियल से वो घर घर पहचान बनाने में कामयाब हुए थे, वो साल 1989 में आया। नाम था मिस्टर योगी, जिसमें वो योगेश पटेल नाम के कुंवारे युवक बने होते हैं, जो अमेरिका से भारत शादी करने आया होता है। 12 अलग अलग राशियों की लड़कियों से मिलता है। ये टीवी शो इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि लोग उनको मिस्टर योगी ही पुकारने लग गए थे। वैसे इस सीरियल में उनकी बीवी शुभांगी गोखले भी नजर आई थी। रामायण महाभारत के जमाने में मिस्टर योगी धारावाहिक अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब हो गया था। वजह थे मोहन गोखले और उनकी बिंदास अदाकारी। लूना मोपेट पर लड़की देखने निकलते तो उस दौर के लोग खुद की झलक उनमें देखने लग जाते। कम ही एक्टर ऐसे होते हैं जिनको हिंदी फिल्मों और टीवी पर बराबर काम मिलता है। मोहन उन चंद एक्टरों में से एक थे। जी हाँ, 1980 में स्पर्श फिल्म में छोटा सा किरदार क्या किया, बॉलीवुड के डायरेक्टरों पर छाप छोड़ गए। इसके बाद उनको फिल्में भी मिलने लगी थीं, खासकर अजीब इत्तेफाक, हीरो हीरालाल और कसम वर्दी की फिल्म में उनका अभिनय तो आज भी लोग नहीं भूल सके हैं। मोहन गोखले जैसा एक्टर बहुत काम करता, बहुत आगे जाता, मगर ये अभिनेता अपनी किस्मत में शोहरत तो लिखवा लाया, मगर लंबी उम्र लिखवाना भूल गया। दोस्तों, इतने बेमिसाल अदाकार की मौत बस 45 साल की छोटी सी उम्र में हो गई थी। अभिनेता कमल हसन हे राम फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने मोहन जी की अदाकारी देखी थी। कमल ने उनको फिल्म में अहम रोल दे दिया। शूटिंग चेन्नई में होनी थी। साल था 1999। शूटिंग शुरू हो चुकी थी। 29 अप्रैल का दिन था। मोहन दूसरे अभिनेताओं के साथ सेट पर बैठे थे, एकदम भले चंगे, कोई बीमारी नहीं। अचानक शूटिंग के बीच उनके सीने में हल्का सा दर्द उठा।
पहले उनको लगा कहीं मांसपेशियों में हल्का सा दर्द उठ गया होगा, मगर अचानक दर्द बढ़ने लगा। अब उनको समझ आ गया कि मामला गंभीर हो गया है। उनकी हालत बिगड़ती देख किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। दर्द बढ़ने लगा और उनकी सांसें ही अंदर जानी बंद होने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, मोहन गोखले की सांसें उखड़ गई और उनकी मौत हो गई। सिर्फ 45 साल की उम्र में उनको मेजर हार्ट अटैक आ गया था। अपने जमाने के दूरदर्शन का ये बेमिसाल अदाकार अपने पीछे पत्नी शुभांगी गोखले और बेटी सखी गोखले को छोड़ गया। उनकी पत्नी आज मशहूर अदाकारा हैं, वहीं बेटी सखी भी अभिनेत्री बन चुकी है। दोस्तों, आपको मोहन गोखले याद हैं? क्या आपको उनके किसी सीरियल या फिल्म की धुंधली याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।